गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने फैराडेज लॉज, लेंज लॉ और इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस करंट के बारे में डिस्कस कर लिया था इस चैप्टर में, और आज हम पढ़ेंगे बेटा इंड्यूस ईएमएफ इन ए कंडक्टिंग रॉड मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास एक कंडक्टिंग रॉड होगी जिसकी लेंथ स्मॉल एल या कैपिटल एल जो भी हम लेंगे, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो एक कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी, वेलोसिटी वी से उसको मूव करा रहे, तो उस कंडीशन में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, ठीक है ना। उस रॉड के अंदर इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम उसको मूव करा रहे हैं। तो हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा है पहले कि जब आप एक कॉइल के पास मैग्नेट को मूव कराते हैं या मैग्नेट के पास कॉइल को मूव कराते हैं तो कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो कंडक्टिंग रॉड में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। देखो इसको हम समझते हैं, पहले बात करिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में रहता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इनवर्ट, नॉर्मल हमने इस तरह से कंसीडर कर लिया क्रॉस, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है सपोज, इस तरह से आप दिखाओगे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म सब जगह, जो क्रॉस है वो इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल दिखाओगे सब जगह से, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जिसको आप कैसे लिखोगे, बी वेक्टर इक्वल्स टू बी इनवर्ट डायरेक्शन को माइनस के कैप लिखते हैं, आउटवर्ड को प्लस के कैप, इधर आप एक्स एक्सिस मान लेते हो, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो एक्स वाई जेड प्लेन तो अपन इसमें ड्रॉ कर लेते हैं कि सपोज ये आपका एक्स एक्सिस जिसकी डायरेक्शन को आप आई कैप से डिनोट करते हो, ये आपका वाई एक्सिस जिसकी डायरेक्शन को आप जे कैप से डिनोट करते हो, और इस तरफ आप जेड एक्सिस ले लेते हो जिसकी डायरेक्शन को आप के कैप से डिनोट करते हो, आउटवर्ड जो है वो प्लस के कैप, इनवर्ड माइनस के कैप। इसमें आपने कंडक्टिंग रॉड PQ को एक कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्स एक्सिस में मूव करा रहे हैं, और कंडक्टिंग रॉड है उसकी सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी हम जानते हैं, कंडक्टर जो है उसकी सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी हम जानते हैं, PQ जिसकी लेंथ L है, और लेंथ को आप PQ कंसीडर कर सकते हो कि सपोज उसकी लेंथ P2Q है। ध्यान से देखो, B तो आपने बोल दिया B माइनस K कैप, डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की है वो इनवर्ट नॉर्मल थी इसलिए माइनस के कैप लिखा, कौन सी डायरेक्शन में मूव करा रहे हो, एक्स एक्स में, तो वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन होगी वी आई कैप, वी आई कैप इस डायरेक्शन में आप उसको मूव करा रहे हो। अगर मैं इसकी लेंथ को पी टू क्यू लेता हूं, लेंथ को पी टू क्यू लेता हूं तो एल की डायरेक्शन होगी एल माइनस जे कैप, एल माइनस जे कैप डायरेक्शन जो लेंथ की वो नीचे की तरफ कंसिडर कर ली सपोज, तो एल माइनस जे कैप। ध्यान से देख बेटा, K, I और J एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसका मतलब V, B और L तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये कंडीशन होनी चाहिए तभी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, V, B, L तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी तभी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये कंडीशन है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसकी सरफेस की जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनपे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड बी में कांस्टेंट स्पीड वी से जब आप कंडक्टर को मूव करा रहे हो तो आपके इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं साथ में परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, तो उनका मैग्नेटिक फोर्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज हम कॉन्सेप्ट से ही करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन कंडक्टिंग रॉड फॉर्मूला होगा एफएम वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। 7 चैप्टर से हम डिस्कस करते आ रहे हैं चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे, अगर उसको बी वेलोसिटी से मूव करा रहे मैग्नेटिक फील्ड बी में तो उसका फोर्स इतना होता है। अब मैं वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूं एफएम को, एफएम वेक्टर इक्वल्स टू क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस ई होगा, वी V कौन से डायरेक्शन में लिया हमने V I कैप, क्रॉस B कौन से डायरेक्शन में है माइनस K कैप। ध्यान से देख बेटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, देन FM वेक्टर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ गई, E V B को एक साथ लिखा, I क्रॉस K बेटा माइनस J कैप होता है, I क्रॉस K क्या होता है माइनस J, K क्रॉस I J कैप होता है, तो I क्रॉस K माइनस J कैप, then magnetic force हो गया FM vector equals to EVB minus J cap, equation number first, ये आपने magnetic force calculate कर लिया कि जो electrons है उसमें magnetic force इतना होगा EVB minus J cap। अब आपको calculate करना है
की तरफ इलेक्ट्रॉन पे p2 क्यों लग रहा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर इज p से q की तरफ इन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? p टू q की तरफ मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन p से q की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस वजह से देन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर moves या move from p to q, कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो p to q move करेंगे। Then आपका क्या होगा, जब कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन जो है वो p to q move करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। So इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस फ्रॉम p to q, और उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? E वेक्टर इक्वल टू E माइनस J कैप। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, P2Q इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड P2Q होगा नीचे की तरफ। इसको लिखा जाएगा E वेक्टर इक्वल टू E माइनस J कैप। अब आपको क्या करना है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लग रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन P2Q है, तो क्या इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा? देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स, उसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा Fe वेक्टर इक्वल टू QE वेक्टर। ध्यान से देख, Fe वेक्टर इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस E, कैपिटल E की वैल्यू ये है E माइनस J कैप, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, then Fe वेक्टर इक्वल टू E कैपिटल E प्लस J कैप, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देख, सरफेस कंडक्टिंग रोड की सरफेस के जो पर इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे मैग्नेटिक फोर्स P2Q और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स Q2P अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन तो नीचे की तरफ, Fm की डायरेक्शन तो नीचे की तरफ, बट इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ Fe इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Fm, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, इसका मैग्नीट्यूड EBB, इसका मैग्नीट्यूड EE, then E capital E equals to EBB, small e से small कर दिया, capital E equals to VB, equation number 3। अब ध्यान से देखो, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, और ये जो रिलेशन है ना आगे भी कहीं काम आएगा। अब मैं बोलूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी था, तो अगर मैं P से Q के बीच जो इंड्यूस EMF है उसको E मान लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैपिटल E है और इसकी लेंथ स्मॉल l है, तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड V और E के रिलेशन से हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, E इक्वल टू V बाई D, उससे अपना EMF इंड्यूस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। Suppose that, ध्यान से देखो, हम लिखेंगे बेटा suppose that induced EMF in the rod is E, then relation देखो E equals to induced EMF E है, V equals to capital E into L, V equals to E into D, उस रिलेशन से लिखा है, that E equals to capital E की वैल्यू VD, VDL, this is the induced EMF in the conducting rod
when it moving uniform magnetic field, when it moving in uniform magnetic field. देखो बहुत आसान सा डेरिवेशन था, हमने क्या किया है इसमें, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ले लिया बी इनवर्ट डायरेक्शन में, सरफेस के परपेंडिकुलर इनवर्ट डायरेक्शन में, उसके बाद एक कंडक्टिंग रॉड जिसकी लेंथ स्मॉल एल थी उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब मैंने उसको एक्स एक्सिस में मूव कराया वेलोसिटी वी से, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जिसकी लेंथ एल थी, तो मुझे यहां से पता चल गया वी बी और एल तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉन्स में मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू आई थी मैग्नेटिक फोर्स की एफएम इक्वल्स टू ईवीपी, कौन से डायरेक्शन में, पी टू क्यू, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो पी से क्यू की तरफ मूव करने लग गए। जब इलेक्ट्रॉन पी से क्यू की तरफ मूव करने लग गए तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया पी टू क्यू, पी टू क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ तो चार्जेस पे जो इलेक्ट्रॉन थे सरफेस के उन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा एफ इक्वल्स टू क्यू ई, जिसकी डायरेक्शन जो थी वो ऊपर की तरफ क्यू टू पी आई, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो थी वो क्यू टू पी थी प्लस जे कैप में। उसके बाद इक्विलिब्रियम एक कंडीशन ऐसी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा, दोनों फोर्सेस को हमने इक्वल पुट कर दिया और वहां से हमारे पास रिलेशन आ गया इक्वेशन नंबर थ्री वाला ई इक्वल्स टू वी इंटू बी, और उसके बाद में हमने इंड्यूस ईएमएफ और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन से फॉर्मूला लिखा स्मॉल ई या इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू कैपिटल ई इनटू एल, कैपिटल ई की वैल्यू पुट कर ली हमारे पास रिलेशन आ गया वीपीएल। इस तरह से बेटा हम फाइनली ये फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं वीपीएल, वी वेलोसिटी कितनी स्पीड से जब मूव करा रहे हैं कंडक्टिंग रोड को, बी मैग्नेटिक फील्ड, एल इसकी लेंथ, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए और ध्यान से देखो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लिए हैं, d की डायरेक्शन माइनस k कैप में, v की डायरेक्शन i कैप में और l की डायरेक्शन माइनस j कैप में, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आपको ध्यान रखना है इंड्यूस ईएमएफ इन कंडक्टिंग रोड आपको फाइंड आउट करना है जब इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कराते हैं तो वीपीएल आता है फॉर्मूला, ठीक है ना, इसको हमें याद रखना है। अगला डेरिवेशन है इंड्यूस ईएमएफ इन ए कंडक्टिंग रॉड रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसको रोटेट कराया पर, ठीक है ना, लीनियर मोशन नहीं हो, रोटेशन वाली कंडीशन हो कि अगर मैं उसको रोटेट कराऊं उस कंडीशन में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। देखो बेटा बहुत ईजी है कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसको रोटेट कराएंगे तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। देखो इंड्यूस ईएमएफ इन ए कंडक्टिंग रॉड रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब इस बार हम इसको रोटेट करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ट नॉर्मली था, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ट नॉर्मली ले लिया आपने, इस तरह से बी की डायरेक्शन इनवर्ट नॉर्मली है, क्रॉस दिखा रहे इनवर्ट नॉर्मल, डॉट दिखाएंगे आउटवर्ट नॉर्मल, ऐसे ध्यान रखना बेटा, ठीक है। और एक कंडक्टिंग रॉड को रोटेट कराना है, सपोज ये मेरे पास एक कंडक्टिंग रॉड थी जिसकी लेंथ कैपिटल एल, इसकी लेंथ कितनी मान ली कैपिटल एल, ये सेंटर है इसका और इधर आप कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, इसको मुझे एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कराना है, इसे इस तरह से इसको रोटेट कराना है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो भी है, इस तरह से हमें इसको रोटेट कराना है, ठीक है। तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा इस सिचुएशन में, इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो कंडीशन तो वही है कि आप इसको एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से सपोज रोटेट करा रहे हो, कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट करा रहे हो, ओमेगा आपका कांस्टेंट होगा, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पर्टिकुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब फिक्स डिस्प्लेसमेंट होगा, उस कंडीशन में ओमेगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो जब ये रोटेट कर रही है तो मूविंग तो है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, तो अब हमने सर्कल कराया इसको तो पहले मैं एक एलिमेंट को मूव करा लेता हूं, मैं एक एलिमेंट के लिए सॉल्व कर लेता हूं कि एलिमेंट पे मैग्नेटिक जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कितना होगा, एक एलिमेंट ले लिया डीएल सेंटर से एल पे जाके, कितने डिस्टेंस पे एल पे जाके, और उसको हमने मान लिया कि सपोज ये लीनियर वेलोसिटी वी से रोटेट कर रहा है, लीनियर वेलोसिटी वी से रोटेट कर रहा है, तो आपने रिलेशन अभी अभी पढ़ा है कि अगर एलिमेंट
ईएमएफ कैलकुलेट करें, इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर एलिमेंट डीएल इज, उसको मैं लिखूं डीई इक्वल्स टू वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी वी, मैग्नेटिक फील्ड बी, और उसके लेंथ कितने बैठा डीएल, वी बी डीएल, वी बी और डीएल तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, डीएल की डायरेक्शन ऐसे होगी, बी की डायरेक्शन ऐसे, और डी की डायरेक्शन इनवर्ड, तो वी बी और डीएल तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, कंडीशन सही। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा केवल एलिमेंट डीएल पे वो इतना होगा वी बी डीएल, ठीक है ना। हमने सेंटर से एल पे जाके डीएल एलिमेंट लिया, सपोज वो वी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, तो एलिमेंट लिया ना छोटा, तब लीनियर वेलोसिटी वी रखी है, ठीक है ना, किस थोड़ा सा रोटेट करने में। अब हम इसको पूरा एक सर्कल करा रहे हैं, तो पूरी लेंथ, पूरी इसको रेडियस मान के हम सर्कल करा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉल वी एल और ओमेगा में रिलेशन, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में रिलेशन, वी नो दैट वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है, आर पाथ की रेडियस, यहां पे अपने पाथ की रेडियस कितनी है स्मॉल एल, देन वी इक्वल्स टू एल ओमेगा, वी इक्वल्स टू स्मॉल एल इनटू ओमेगा, हम इसके लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ये वाली वैल्यू आप यहां पुट कर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से वी की वैल्यू आप यहां पुट कर लो, देन डी इक्वल्स टू एल ओमेगा बी इनटू डीएल। ये हमने केवल एक एलिमेंट के डीएल के रोटेशन के केस में ईएमएफ कैलकुलेट किया, जब लीनियर वेलोसिटी वी थी तो हमने उसको एल ओमेगा लिख लिया और इस तरह से हमने आंसर निकाला। अब मुझे तो पूरी जो रोड है कंडक्टिंग रोड उसके रोटेशन में ईएमएफ कैलकुलेट करना है, देन टोटल ईएमएफ फॉर कंडक्टिंग रोड टोटल ईएमएफ फॉर कंडक्टिंग रोड, तो उसके लिए क्या करना होगा, बहुत सारे इंटीग्रेशन, डी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एल, एल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, टोटल लेंथ है इसकी एल, तो 0 टू एल में इसका क्या कर लेंगे इंटीग्रेशन, ओमेगा बी अलग कर लेंगे, एल डी एल अलग लेंगे, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, ओमेगा बी कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू एल एल डी एल, एल का एल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आप जानते हैं एल स्क्वायर बाय 2, तो ई इक्वल्स टू ओमेगा बी एल स्क्वायर बाय 2, लिमिट हो गई 0 टू कैपिटल एल, देन ई इक्वल्स टू ओमेगा बी एल स्क्वायर बाय 2, एक फॉर्मूला तो ये आ गया, और इसको आगे सिंपलीफाई करना चाहें तो ओमेगा का फॉर्मूला हम जानते हैं, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिंस ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, एफ इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड, जो कंडक्टिंग रॉड है वो 1 सेकंड में कितने टाइम्स रोटेट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आप यहां पे वैल्यू पुट कर लो, e इक्वल्स टू 2 पाई एफ इनटू एल स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, अच्छा बी भी आएगा साथ में, ठीक है ना, ओमेगा बी था बीच में, बी इंटू एल स्क्वायर, अब ध्यान से देखो पाई एल स्क्वायर इस ये वाला एरिया जिसने ये रोटेट कर दी, कंडक्टिंग रॉड जहां रोटेट कर दी है वो एरिया हो गया ए इक्वल टू पाई एल स्क्वायर, तो आपके पास ई की वैल्यू आ गई पाई एल स्क्वायर को ए बोल दिया एफ इंटू बी ए एफ बी या ए बी इंटू एफ ए एरिया जिसमें ये रोटेट कर रही है बेटा ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी थी एफ आपकी सॉरी एंगुलर वेलोसिटी एफ आपकी लीनियर फ्रीक्वेंसी ठीक है ना एक सेकंड में कितने टाइम्स रोटेट कर लेती है और बी आपका मैग्नेटिक फील्ड तो आपके पास दो फॉर्मूले आते हैं इसमें ई के ए एफ बी और ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई टू ये ओमेगा के टर्म में ये फ्रीक्वेंसी एफ के टर्म में इस तरह से हमने एक कंडक्टिंग रोड को मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराने में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा कंडक्टिंग रोड पे उसकी वैल्यू इतनी होगी ठीक है या फिर ये फॉर्मूला होगा बाकी बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे थैंक यू।